नमस्कार, रेसिपीज विद अनु में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं झटपट बन जाने वाला ऑयल फ्री चिकन की रेसिपी, उन सभी लोगों के लिए जिनको चिकन तो पसंद है लेकिन उसमें पड़ने वाली ऑयल की क्वांटिटी के कारण चिकन खाना अवॉइड करते हैं, और उनके लिए भी जिनको नहीं पता कि बिना तेल के भी चिकन बनाया जा सकता है, वो भी बिना टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए। तो चलो जल्दी से देखते हैं आखिर ये ऑयल फ्री चिकन बनाया कैसे जाता है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। तो हमने यहाँ पर लिया है 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 3 से 4 तेज पत्ता, 1.5 इंच दालचीनी, थोड़ा सा जायपत्री, 10 से 12 लवंग, 15 से 20 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 4 से 5 मीडियम साइज का प्याज, 5 मीडियम साइज का टमाटर, फ्रेश कोकोनट का 1/4 पार्ट कट करके लिया है, 1.5 इंच अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियां। इंग्रेडिएंट्स तो हमने देख लिया, अब झटपट चलते हैं चिकन बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल करके उसको थोड़ा देर रोस्ट करेंगे। तो हम टमाटर को छोड़ करके बाकी सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। हमने सारा मसाला ऐड कर दिया है, अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे और साथ ही फ्रेश कोकोनट के पीसेस भी ऐड कर देंगे, और इसे भी सारे मसालों के साथ थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। हमें फ्लेम मीडियम पर रखना होगा, तेज पर नहीं रोस्ट करना है वरना मसाला जल जाएगा और उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर एक अच्छा सा अरोमा आने तक ये सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। मसाला को हमने लगातार चलाते हुए रोस्ट किया है, 2 से 3 मिनट हो गया है, अच्छा सा अरोमा आ रहा है और हमारा मसाला रोस्ट होकर रेडी हो गया है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लेंगे, उसमें हम टमाटर कट करके ऐड कर देंगे और उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे, और हमें इसे अच्छे से एकदम बारीक पीसना होगा। और हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर जो है वो पानी रिलीज़ करता है, तो हम इसे बिना पानी का ही ग्राइंड करेंगे। अगर ज़रूरत लगता है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करने के टाइम। मसाला ग्राइंड करके रेडी है, अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें सारा मसाला को ऐड कर देंगे, और हमें मसाला को अच्छे से भुनना है मीडियम फ्लेम पर। तो मसाला को हम बिना तेल का ही कुक करेंगे और लगातार चलाते हुए हमें इसे कुक करना होगा। 2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है हमने, और उसके साथ हमने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं जब भी मसाला पक जाएगा वो एक जगह जमा होने लग जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो बस हमें इतना ही पकाना है मसाला को, उसके बाद हम चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे। हमने चिकन को क्लीन करके धो करके अच्छे से पहले से रेडी रखा था। अगर आप मैरिनेट करना चाहते हैं चिकन को तो थोड़ी देर मसालों के साथ मैरिनेट करके रख सकते हैं। चिकन के पीसेस को मसालों के साथ अच्छे से कोट करके हम इसे पकाएंगे। फ्लेम हमें मीडियम पर रखना होगा, हमने इसमें 4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है या स्वाद अनुसार नमक। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, और हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से मसाले के साथ कुक हो जाए और मसालों का स्वाद चिकन में आ जाए। चिकन को मसाले के साथ कुक करने से चिकन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप कम पानी इसमें ऐड कीजिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हम इसे ढक करके तेज़ आंच पर 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे। अगर आपका चिकन पका नहीं है तो आप 5 मिनट और भी कुक कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है चिकन के ऊपर भी कि कितना टाइम लगेगा उसे पकने के लिए। 20 से 25 मिनट हो गया है और ये हो चुका है हमारा यमी ऑयल फ्री डिलीशियस चिकन ग्रेवी तैयार। बिल्कुल गर्मा गर्म इसे चावल के साथ या रोटी के साथ या भाकरी के साथ सर्व करके एंजॉय कीजिए। चिंता नहीं कीजिए, इसका टेस्ट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। थोड़ा आपको अलग लग सकता है क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत यमी होता है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमारी आने वाली रेसिपीज का वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।